मैं नीलम सोनकर, भाजपा प्रत्याशी, लालगंज आजमगढ़। देखिए, हमारा जो लालगंज लोकसभा क्षेत्र है वो कभी भी विकास यहाँ हुआ नहीं, विकास के नाम पे यहाँ पे सुनने हैं। और जो भी यहाँ पे सांसद हुए हैं, चाहे बसपा के हों या सपा को, विकास को इन्होंने कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया है। वो आए हैं, जातिगत आधार पे चुनाव लड़े हैं और लड़के यहाँ से जीत के चले गए हैं। विकास की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो शिक्षा का हो, क्षेत्र हो, या मार्ग का हो, कृषि का हो, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का, कहीं भी इस तरह की यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता विकास के नाम पे। यहाँ पे भी एक यहाँ पे पॉट का काम होता है जो कि यहाँ पे बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, लेकिन इसको विशेष ध्यान नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे उस तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो भी यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। ये लालगंज लोकसभा की जो शिक्षा की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पे लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो लखनऊ जाए, बीएचयू जाए, दिल्ली जाए या कहीं भी जाए, लेकिन शिक्षा के अभाव में उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो यहाँ पे जो शिक्षा बाहर में व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था यहाँ पे हो, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके ना पढ़ें। जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो मैं यहाँ के जो गंभीर मुद्दा है बिजली और सड़क, मैं उस बात को वहाँ पे रखूँगी ताकि उसके तरफ ध्यान आकर्षित हो और यहाँ पे बेहतर से बेहतर कार्य हो उसके लिए। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं उन सबों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, और उच्च शिक्षा प्राप्त होने की वजह से वो जागरूक हो जाएंगी और अपने अधिकार को समझ सकेंगी कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या अधिकार दिया है। और उसके जब वो अधिकार अपना जान लेंगी तो एकजुट होकर, एक मत होकर एक दिशा में काम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर लालगंज लोकसभा में कभी भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। करने को तो यहाँ पे इतने काम है कि गिनती कराऊँ तो शायद बहुत सारा समय निकल जाए, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो यहाँ की जो मूल समस्या है, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार, मेडिकल, इस समय में जो कर सकूँ अपनी सरकार के सामने वो बात रखूँ, ताकि यहाँ की समस्या जब मैं वहाँ रखूँगी तो सुनी जाएगी और यहाँ का विकास का कार्य होगा।